भारतीय बाजार में बढ़ती हुई एसयूवी की मांग को देखकर टाटा ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए अपनी नई हैचबैक्स एचबीएक्स को लॉन्च कर दिया है। यह गाड़ी बहुत ही किफ़ायती और कम दामों में रहने वाली है। इस गाड़ी की बेसिक प्राइस 3 लाख से लेकर 6 लाख तक होने वाली है। जल्द ही यह गाड़ी भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। कंपनी का दावा है कि इस गाड़ी को कंपनी अप्रैल के अंत या मई के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर सकती है। शानदार डिजाइन और बेहतरीन लुक को देखते हुए ये गाड़ी जब भी लॉन्च होगी तो भारतीय बाजारों में एक तहलका सा मचने वाला है। अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनी हुई नेक्सन हैरियर और टाटा अल्ट्रोस भारतीय बाजारों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये गाड़ी भी उसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, क्योंकि ये गाड़ियाँ पहले से ही NRC टेस्टिंग में 4 स्टार्स प्राप्त कर चुकी हैं। इस कार को कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसके साथ गाड़ी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका प्रोडक्शन मॉडल कैसे रहने वाला है। इस प्रोडक्शन मॉडल को हैरियर का ही मिनी वर्जन माना जा सकता है, क्योंकि फ्रंट में इसके आपको हैरियर की तरह ही फुली LED टेल लैंप्स और हेडलैम्प देखने को मिलेगा। साथ में ही आपको रनिंग डे लाइट के साथ एक नया सा बम्पर देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफ़ी पसंद आएगा। नई आने वाले इस टाटा HBX में आपको बैक साइड में भी फुली LED टेल लैंप के साथ क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, जो गाड़ी को एक मस्कुलर सा लुक देता है। क्योंकि कम प्राइस और बेहतरीन लुक के साथ आने वाली इस कार को काफ़ी लोग बुक करवाएंगे। गाड़ी में आपको आगे की तरफ LED DLR देखने को मिलेंगे। साथ ही कार की फ्रंट ग्रिल में ऊपरी हिस्से में लगाए गए नए हेडलैम्प भी देखने को मिलेंगे। टाटा की इस नई HBX में आपको बैक साइड में भी फुली LED टेल लैंप के साथ क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, जो गाड़ी को एक मस्कुलर सा लुक देता है। इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है 16 इंच 17 इंच का अलॉय व्हील्स। साथ में आपको गाड़ी में रूफ रेल्स और एक स्पोर्टी डिजाइन मिलने वाली है। अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो इस गाड़ी का इंटीरियर पूरी तरह से फुली लेदर के साथ आने वाला है। गाड़ी में आपको मिलने वाला है पावर स्टीयरिंग के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ साथ वॉइस कमांड और इंटरनेट को भी सपोर्ट करता है। कंपनी इसे 3 या 6 लाख में बेचने वाली है। इसकी बुकिंग शुरू होते ही ये गाड़ी एक तहलका मचाने वाली है, क्योंकि इतनी कम प्राइस और इतने बढ़िया फीचर दे पाना रतन टाटा ही कर सकते हैं। इसके साथ आपको टाटा की सभी गाड़ियों का थोड़ा सा मिक्सचर मिलने वाला है। इसका एक्सटीरियर काफ़ी हद तक हैरियर से मिलता है, इंटीरियर एल्ट्रोज से, और पीछे की जो लाइट है वो काफ़ी हद तक नेक्सॉन से एक्सपायर है। बात करें इसकी इंजन की, तो इस कार में आपको मिलने वाला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 90 BHP का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 5-speed मैन्युअली और 5-speed AMT ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया जाएगा। सेफ्टी फीचर्स में आपको मिलने वाला है ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TCS, LCD, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स। टाटा की इस नई HBX में आपको मिलने वाली है टाटा अल्ट्रोस, टाटा नेक्सन और टाटा हैरियर की सुर्खियाँ। टाटा मोटर्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी नई टाटा सफारी को पेश किया था, जिसकी कीमत भी उन्होंने काफ़ी किफ़ायती रखी हुई है। आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो कारों से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी वो देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारी चैनल टेवानी मुकेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, और पास ही में पड़ा बेल आइकन उसे भी पुश कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।